से ज्यादा देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब सरकारी नौकरी के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की तरफ से उनकी सुनवाई हो चुकी है, उन्हें सरकारी नौकरी मिल चुकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी। सबसे पहले तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहेंगे। आज के मूवमेंट के लिए लगभग 9 साल का एक लंबा समय लगा है, आज कैसा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं आज? आज सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया है चाहे वो कोई भी मीडिया है, उन सब का दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार तक लेके गए। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ कुमार गौरव जी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया इस हक को हासिल करने के लिए। सो मैं आज 9 साल हो गए एक नौकरी के लिए तरसा था, जो मेरे पापा का भी सपना था वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए यही सपना लेते हुए। सो कहीं ना कहीं अगर आज वो होते तो उनकी अलग फीलिंग होती। सो दिल से धन्यवाद करता हूँ पंजाब सरकार के भगवंत मान साहब जी का, मेरे DC और ADC सर मैडम और सर का, और खन्ना के प्रशासन और MLA साहब और EO साहब का, जिन्होंने मेरे को सड़क से उठाकर आई एक नौकरी दी। तरुण, आप पैरा कराटे चैंपियन हो, पैरालिंपियन हो, कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी मिसाल हो उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सड़कों पे, अगर महिलाओं की बात करें, अकेले निकलते हुए डरती हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ी मिसाल हो कि किस तरीके से एक मैसेज डिलीवर कर रहे हो कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय क्यों लगा, इतने धक्के खाए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सुनवाई नहीं हो रही थी आपकी, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो? मैम, अगर ये बात आप लीडर से पूछे तो वो बेटर बता सकते हैं। देखिए, मेरा काम था खेलना, देश के लिए मेडल लाना, वो मैं अपने कर रहा था, बट लीडरों ने नहीं सुनी, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैम देखो, खिलाड़ी का क्या काम होता है, ना उसकी कोई जात होती है, ना वो किसी पार्टी का होता है, वो सिर्फ इस इंडिया का होता है। तो मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, और आज भगवंत मान साहब का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस गरीब पर अपना हाथ रखा और एक मुझे चाहे छोटी चाहे नॉन सरकारी जैसे आउटसोर्स के राह भर्ती किया, लेकिन मुझे भर्ती किया। लेकिन तरुण, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ छोटा काम भी करना पड़ा, सब्जियां तक बेचनी पड़ी, और पीछे जब आप मेडल लेके आए तो कोई ना स्वागत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो वो मोमेंट्स कैसे रहे? देखिए मैम, काम छोटा बड़ा नहीं है, मेडल और ट्रॉफी खाने के लिए नहीं देती, पेट रोटी मांगता है, तो कमा के ही करना था। इसीलिए मेरे को कुछ कराटे के अलावा आता नहीं था, तो मजबूरी में सब्जी की रेडी लगानी पड़ती। बिल्कुल। और इतने बड़े जो सिंगर है करण औजला, उन्होंने एक डेप्ट उतारा है, उनका किस तरीके से तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करना चाहिए? कोई शब्द नहीं है उनके शुक्रिया में, कोई अगर मैं शुक्रिया वर्ड भी यूज करूंगा तो वो भी छोटा होगा। मैं बिल्कुल सो मैं दिल से एक बार धन्यवाद करूंगा कि उसी उन NRI ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, और करण औजला जी का, जिन्होंने मेरे सिर से छत चली जाती वो बचा दी। तो उन लोगों को क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे जो आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनके उन लोगों के सामने आए हैं जो अब जिंदगी से कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं? अपनी फाइट को जारी रखें, डिप्रेशन को हैवी मत होने दे जी। निराशा सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में कई बार आई है, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा। अपने आप को इज्जत से स्ट्रांग रखें, जब ये स्ट्रांग होगा तो ये साथ नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कुमार गौरव जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत लंबे समय से आप एक सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ अब तरुण शर्मा का साथ देते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? आज के मूवमेंट्स कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके पूरी फैमिली के लिए बहुत खुशनुमा है। बिल्कुल है जी, हर उस खिलाड़ी लिए मूवमेंट बड़ी अहम रखती है। मैं सब तो पहला था इस दिन लियाने वास्ते सरदार भगवंत सिंह मान साढ़े CM साहब का, मीत आयर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे लोकल लुधियाना के प्रशासन DC ADC खन्ना के प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके नाल नाल मैं तमाम वो साथी जिन्होंने तरुण दे इस लड़ाई के विचों साथ दे दिता। मैं लड़ाई नहीं कहता, मैं हक सच दी, मैं कहाँगा कि कोशिश सी हक सच दी। तरुण का हक बनता सगा, ये इंटरनेशनल पैरा कराटे का इकलौता प्लेयर 18 मैडल पूरे देशों विदेशों जितन वाला, सो एक ऐसा नौजवान जिहड़ा खन्ने की सब्जी मंडी च रेड़ी, देखो कर्जा चढ़ चुके असी 12 लाख रुपया, देखो खेड खेड़नी को अजकल खालाई का घर नहीं है, जिन्हों को पैसा है, जिन्हों को सोर्सिज है, वो तो उपर तक पहुँच जाते, लेकिन गरीब के बच्चे जो टैलेंटेड है जो उत्ते नहीं पहुँच सकते, उन्होंने वास्ते सरकारों को अगे आना चाहिए, उन्होंने वास्ते मदद करनी चाहिए है, सोर्सिज होने चाहिए हैं। ये बच्चा अपना मकान तक गिरवी रख के, अपना घर तक गिरवी रख के, देखो अपनी डाइट लेंदा रहा, विदेशों के टिकटा गेम खेडण वास्ते, देश नूं हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करने वास्ते जिहड़ियां महंगी महंगी जहाज दी टिकटां वै, उत्थे रहना सहना वै, वो कित्थों आना सी? सो सोर्स नहीं सी, मकान गिरवी रखना पिया, जिहड़ा करण औजला ने 9 लाख का कर्जा भी चुकाया, फादर की डैथ हो गई, सपना सीगा, लेकिन अज इस मुंडे नूं आउटसोर्स ते सी 13,500 की नगर निगम कारपोरेशन खन्ना की नौकरी मिली, जागता लगी, खुशी है। सो मैं ये कहांगा जिहड़े लोग
जिहड़े लोग मायूस हो जाते ना नौजवान और नशियां वल चले जाते हैं, हिंदुस्तान छड़ देंगे है, या कहते कि गेम छड़ दो कुछ नहीं होना, सब कुछ हो सकता है दोस्त, सब कुछ हो सकता है। अपना जज्बा कायम रखो और मैं फिर इस हक सच की लड़ाई में जितने वास्ते क्रेडिट देना चाहूँगा साडे पंजाब दे देश दे लुधियाने शहर दे खन्ने दे मीडिया नू। जी हाँ, मीडिया नू, चाहे सोशल होवे प्रिंट होवे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सल्यूट करदा अपने मीडिया नू, क्योंकि तरुण नू अज उहदा हक मिलिया वा वो मीडिया की कोशिश सी, मैं ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो vertreib den Kummer und den Hass, will keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol